खमासान.com के खास न्यूज बुलेटिन में आज हम आपको बताते हैं कि इंदौर में 25,000 से ज्यादा ई पास हुए जारी, रात दिन चल रहा है काम। इंदौर जिला प्रशासन ने ई पास की सुविधा देकर कर्फ्यू और लॉकडाउन में फंसे हजारों लोगों को बड़ी राहत दी है। इसके साथ ही बस और टैक्सी की भी सुविधाएं शुरू करवा दी गई है। आज सुबह तक 25,000 ई पास जारी कर दिए गए हैं। रात दिन हो रहा है ई पास जारी करने का काम। इंदौर से बाहरी राज्यों में जाने और वहां से लौटने के अलावा प्रदेश के भीतर के ही लोगों लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इसके चलते कलेक्टर मनीष सिंह ने स्थानीय स्तर पर ई पास जारी करने की सुविधा शुरू करवाई है। इनका नोडल अधिकारी के विवेक को बनाया, जिन्होंने 4 दिनों में ही ई पास की व्यवस्था को बेहतर तरीके से संचालित किया और लोगों को फटाफट ई पास भी जारी होने लगे हैं। वे खुद दफ्तर के अलावा घर से भी लैपटॉप के जरिए देर रात और सुबह ई पास जारी कर देते हैं। श्री विवेक ने बताया है कि कल तक 33,255 से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 24,555 से ज्यादा ई पास सुबह 6 बजे तक जारी कर दिए थे और ये सिलसिला लगातार जारी है। कुल लंबित आवेदन 8,600 से भी ज्यादा बताए जा रहे हैं, जिनमें से अन्य राज्यों के 475 और प्रदेश के भीतर के 7,703 आवेदन हैं। अब जिन लोगों के पास अपने खुद के निजी वाहन नहीं हैं, उन्हें मिनी बस, मेटाडोर से लेकर टैक्सियों की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं, जहां निर्धारित दर चुकाकर ये लोग अपने अपने घर आ जा सकते हैं। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए खमासान.com। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।